अभी तक लगभग 25 लोगों ने अपना ब्लड जो है डोनेट कर चुके हैं और लगभग 50 या उसके पार भी जाने की हमें संभावना है कि लोग अपना ब्लड डोनेट करेंगे। मेवात के पुन्हाना उपमंडल के गांव झारोकड़ी में ग्राम विकास युवा संगठन व ग्राम पंचायत की ओर से गांव में बुजुर्ग व महिलाओं की सेवा के लिए हेल्थ चेकअप व रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में तहसीलदार पुन्हाना ने शिरकत की। रक्तदान शिविर में ग्राम विकास संगठन के युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और महादान किया। वहीं इसके साथ साथ गांव के लोगों के स्वास्थ्य की भी जांच की गई, जिसमें लोगों को निःशुल्क दवाइयां दी गई। स्वास्थ्य की जांच करने के साथ साथ डॉक्टरों की टीम ने लोगों को कोरोना के प्रति भी जागरूक किया। जांच शिविर में खून की जाँच, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, जनरल ओपीडी, इम्यूनिटी बूस्टर सहित सभी तरह की सुविधाएं दी गई। वहीं गांव के सरपंच ने बताया कि ग्राम विकास संगठन पिछले कई महीने से गांव के सेवा कर रहा है। संगठन के सभी लोग सामाजिक कार्यों में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। सरपंच ने बताया कि कब्रिस्तान व शमशान घाट की साफ सफाई, वाटर टैंक परिसर की सफाई, नालियों की सफाई जैसे अनेकों कामों में संगठन के युवाओं ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि पंचायत की तरफ से संगठन के लोगों को हर तरह की मदद मुहैया कराई जाती है। देखिए, आज हमारे गांव में एक कमेटी बनी हुई है, ग्राम विकास युवा संगठन। उन्होंने इस कैंप का आयोजन करवाया है और इसमें अभी तक लगभग 25 लोगों ने अपना ब्लड जो है डोनेट कर चुके हैं और लगभग 50 या उसके पार भी जाने की हमें संभावना है कि लोग अपना ब्लड डोनेट करेंगे। इसके अलावा गांव की महिलाओं की भी यहां पर जांच हुई है और लोगों की भी जांच हुई है। किस तरीके की जांच हुई है, क्या उनको दवाइयां भी दी गई हैं? वो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक टीम आई है पूरी और उसमें सारे रोगों की जांच चल रही है और वो दवाइयां भी दे रहे हैं। सरकारी अपने उस पर फ्री जो है दवाइयाँ दी जा रही हैं, चाहे किसी को कोई भी रोग है। इसके अलावा एक मांग पत्र भी आप लोगों ने तहसीलदार के माध्यम से सौंपा है, क्या मांग है, क्या जो उसमें रखी गई? हमारा जो आज इस आयोजन का जो चीफ गेस्ट थे वो तहसीलदार साहब थे, उनको ग्राम विकास युवा संगठन ने अपनी तरफ से और पंचायत की तरफ से एक मांग पत्र उन्हें दिया है। कुछ जो सरकारी ज़मीनों पर जो अवैध कब्जा है उसे हटाने के लिए, स्कूल को अपग्रेडेशन करवाने के लिए और एक दो मांगे और थी उसमें, तो उन सब के लिए 4-5 मांगों को मुख्य तौर से रखा है उनके सामने और उन्होंने आश्वासन दिया है इन्हें पूरा करने के लिए। ये जो रक्तदान शिविर हमने लगाया है, ग्राम विकास युवा संगठन ने पंचायत के सहयोग से ये लगाया है हमने, और हमारा टारगेट है इसमें कम से कम 50 से 60 यूनिट ब्लड हम इकट्ठा करें और अभी तक लगभग 27 से 28 यूनिट हमारे हो भी चुके हैं और बाकी साथी और अभी कर रहे हैं। और इसमें ऐसा नहीं कि हमारे गांव के ही साथी हों, बाहर गांव से भी, मतलब मढ़ियाकी से, खाईका से और बाहर गांव के लोग भी यहां पे आके ब्लड डोनेट कर रहे हैं। और अभी प्रोसेस चालू है, आप देख भी सकते हैं कि अभी लोग डोनेट कर रहे हैं। लोगों में एक भय रहता है कि रक्तदान करने से कमजोरी आती है। जी जी जी। इस तरह की कोई अफवाह या युवाओं में कोई संकोच इस तरह का? जी जी जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। ऐसा डर हम में भी बना हुआ था क्योंकि हमारे टीम के ज़्यादातर साथियों ने पहली बार ब्लड डोनेट किया, मैंने खुद ने भी आज पहली बार किया है। तो अब से पहले डोनेट करने का ना कहीं मौका मिला, ना ऐसा कोई हमने प्रयास भी नहीं किया कि भाई डोनेट करें कहीं जाके, तो ऐसा कुछ नहीं है। ब्लड डोनेट करने से कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं ब्लड डोनेट करने के बाद ही तुरंत अपने सारे काम देखने लग गया था यहाँ पे जो भी कर रहे हैं हम, और डोनेशन से, ब्लड डोनेट करने से ऐसा कुछ नहीं होता है कि भाई चक्कर आना या कुछ ऐसा। कोई मामूली दिक्कत हो सकती है, वो 1-2 मिनट के लिए रहती है, बाकी कुछ नहीं होता। और जैसा डॉक्टर बताते हैं कि ब्लड डोनेट करने से आपका हार्ट अटैक होने का खतरा बहुत कम हो जाता है और लकवा का अटैक भी बहुत कम होता है जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं। और ब्लड डोनेट करने से ऐसा नहीं कि आप मतलब अपना ही जीवन बचा रहे हैं, आप दूसरी की ज़िंदगी भी बचाते हैं उससे। तो ब्लड डोनेट एक रक्तदान महादान होता है, तो सभी को अपना ब्लड डोनेट करना चाहिए। और ऐसा नहीं होता कि भाई हम में ब्लड नहीं है तो डॉक्टर पहले चेक करते हैं आपका ब्लड आपके लेने लायक है नहीं है, कम तो नहीं है, तो उसके बाद में डॉक्टर ब्लड लेते हैं। तो सभी को ब्लड डोनेट करना चाहिए।